तो फाइनली नाश्ता भी आ गया हमारे यहाँ द ओल्ड ब्रिज कैफे पे, और बगल में इतनी बेहतरीन नदी जब बह रही हो और फिर ऐसी जगह पे आप बैठे हो, आपको इतना बेहतरीन नाश्ता मिल जाए तो फिर खाने का मजा ही आ जाता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कैसा रहा खाना। तो दोस्तों आज आपको घुमाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये ओल्ड मनाली में सिचुएटेड है और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है इसको हम ओल्ड ब्रिज कहते हैं। जब आप हिडिम्बा देवी टेम्पल और महर्षि मनु का टेम्पल जाओगे तो ये भी रहेगा, और इस ब्रिज के नाम पे इस कैफे का नाम रखा गया है द ओल्ड ब्रिज कैफे। इसकी जो सबसे खास बात है उसकी लोकेशन है। ये देखिए कितनी कल कल कहती हुई बेहतरीन नदी बह रही, इसका आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, और नदी के जस्ट रिवर साइड पे कैफे सिचुएटेड है। और ये देखिए इनके सारे हुक्का वगैरह जो पीने वाले उनके लिए इनके पास स्पेशल सारे अरेंजमेंट्स हैं। और सामने देखिए बैठने की कितनी अच्छी जगह नाश्ता करने के लिए। और जब ऐसी जगह पे आप बैठ के लोकेशन में नाश्ता करेंगे तो फिर आह क्या कहने हैं, नाश्ते का स्वाद तो 5 गुना 10 गुना अपने आप बढ़ जाता है। तो ठीक है, मंगाते हैं फिर नाश्ता और आपको दिखाते हैं क्या लाएं और कैसा लाएं। लोग तो अपनी नाश्ते के टेबल पे बैठ चुके हैं, नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, और जो मैंने नाम आपको बताया था द ओल्ड ब्रिज कैफे में हम लोग बैठे हुए हैं। इसके सराउंडिंग्स को देखिए और फील करिए इसको, क्योंकि वीडियो में सिर्फ दिख रहा होगा, इसका जो फील है वो जब आप साथ में एक बार ज़ूम करेंगे तो और मज़ा आपको आएगा। इतना बेहतरीन लग रहा होगा यहाँ बैठ के। इस बेहतरीन माहौल में बैठे, ठंडी ठंडी बगल में जब नदी बह रही हो और गर्मा गर्म आलू के पराठे आपको मिल जाए नाश्ते में तो फिर तो मजा ही आ जाता है। तो चलिए खाते हैं आलू के पराठे। तो फाइनली नाश्ता भी आ गया हमारे यहाँ द ओल्ड ब्रिज कैफे पे, और बगल में इतनी बेहतरीन नदी जब बह रही हो और फिर ऐसी जगह पे आप बैठे हो, आपको इतना बेहतरीन नाश्ता मिल जाए तो फिर खाने का मजा ही आ जाता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कैसा रहा खाना। आलू के पराठे तो बहुत अच्छे थे, सैंडविच चाय और जो आइटम आ रहे हैं वो बताते हैं आपको।